COVID-19 की वजह से भारत में अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। मुल्क में इंटरनेट तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों को रसाई हासिल है। ज्यादातर भारतीय नेट का इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए करते हैं, जो 30% आवाम को हासिल है। ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स स्मार्टफोन्स के जरिए पढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर इस कच्ची बस्ती में आते आते ऑनलाइन एजुकेशन का ख्याल बेमानी लगने लगता है। जिस तबके के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल पड़ता हो, उससे स्मार्टफोन्स या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करना किसी मजाक से कम नहीं लगता, क्योंकि जितने में एक स्मार्टफोन आता है उतने में तो कई खानदानों का महीने का खर्च चल जाता है। स्मार्टफोन की कीमत तकरीबन 7,000 भारतीय रुपए से शुरू होती है और लॉकडाउन ने कमाई के रास्ते बिल्कुल तंग कर दिए हैं। सोच बोते रहे बड़ा फोन ले लें, पर काम इतना नहीं मिल रहा कि बड़ा फोन ले लें। बेलदारी कर करके आज पेट पाल रहे हैं। बहुत परेशानी हमको, तो कुछ ना ये बच्चे सीख जाते, पढ़ जाता, स्कूल खुल जाता तो अच्छी बात ही। हमारी तो कट चुकी, अब भैया सोच रहे बच्चे आगे को तो कुछ सीख जाए, आगे को तो बढ़ जाए कुछ भी। 6 बच्चों के वालिद सुखपाल खानदान के वाहिद कमाने वाले हैं। इन जैसे लोग स्मार्टफोन होते हुए भी बच्चों को नहीं दे सकते। 3 बच्चे पढ़ते हैं, 3 को सबको अलग अलग कहाँ से लेकर आऊंगा, बच्चों को फोन दे देंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। हालात की संजीदगी को देखते हुए कुछ NGOs बाज़ाकात अपने टीचर्स इन बस्तियों तक भेज रहे हैं। ये क्या बनाया है? जो ऑनलाइन पढ़ाए गए सबक को इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो बच्चों की क्लास के थ्रू ही हो पाती है, वो पॉसिबल नहीं। बच्चों को बहुत सारी पढ़ाई की लॉसेस है। हमारी क्लासेस में जितना भी हमने कवर अप किया था वो बच्चे भूलते चले जा रहे हैं। कई स्कूल या ऐसे गैर रस्मी तालीमी मरकज बेहद गुर्बत में पलने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ एक अलग दुनिया देखने का मौका भी देते हैं। COVID-19 ने ये मौका उनसे छीन लिया है। प्री कोविड में एक तो आपस में काफी संपर्क था, टीचर्स के साथ एक इमोशनल बाइंडिंग थी। दूसरे, हम लोग उनको लंच भी प्रोवाइड करते थे, उनका खाना मिलता था, तो उस पौष्टिकता के कारण उनके मानसिक और शारीरिक विकास में अच्छा रहता था। गुर्बत की जंजीरों में जकड़े इन बच्चों के लिए तालीम की सीढ़ी चढ़ना पहले ही बहुत मुश्किल था। डर यह है कि COVID-19 से पैदा होने वाली रुकावटें इन्हें इस सीढ़ी से नीचे ही ना गिरा दें। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।